हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बंजारन में और मैं हूँ आपकी बंजारन। तो आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि आज मेरे घर आने वाला है एक ऐसा मेंबर जिसको आप मेरे आने वाले हर व्लॉग में देखने वाले हो। सो आई एम सो एक्साइटेड और मैं अभी उसी को लेने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और रास्ते में बात करते हैं इस बारे में। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं और मुझे गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल कम लग रहा है तो रास्ते में से भरवा लेते हैं पहले। इधर पेट्रोल पंप इधर है पर इधर भी मिल सकता है मेरे ख्याल से, इतने लंबे रास्ते में पेट्रोल पंप होना तो चाहिए, है ना। एक्चुअली जिस जगह हम जा रहे हैं पेट्रोल के लिए उसके अपोजिट दिखा रहा है, तो इससे बढ़िया होगा कि जिस रास्ते जा रहे हैं उसी जगह देख लें। उधर ही मेरे को लगता है पेट्रोल पंप तो होना ही चाहिए, पेट्रोल पंप तो हर जगह होता है। सो फाइनली मैं लेने जा रही हूँ एक प्यारा सा पपी जो बड़ा होके बनेगा डॉगी एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग में आपको वो दिखने वाला है और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मुझे डॉग बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं चाहे कोई भी स्पीसीज हो। एंड अब डॉग की बात करें तो डॉग हम लेने से पहले काफ़ी कन्फ्यूज थे। सो जब ये हो गया था कि हाँ हमको डॉग चाहिए हमारे घर में, तो हम दोनों काफ़ी कंफ्यूज थे कि कौन सी स्पीशीज़ हमको लेनी चाहिए, कौन सी स्पीशीज लेनी चाहिए। तो हमारे पास वैसे पहले दो ऑप्शन थे, लेब्रा ले रहे थे, नहीं लेब्रा तो हमारे ऑप्शन में था ही नहीं क्योंकि मेरे ख्याल से वो लेजी होते हैं। हमारे ऑप्शन में था जर्मन शेपर्ड, हमारा मेन प्रायोरिटी था बाल बाल वाला और थोड़ा फ्रेंडली भी हो, लेकिन मुझे छोटे छोटे जो कुत्ते आते हैं ना डॉग्स आते हैं वो मेरे को मतलब अच्छे हो, जिनको लगते होंगे पर मुझे छोटे डॉग इतना पसंद नहीं है। मेरे को चाहिए लंबा चौड़ा डॉग जो अपने बगल में भी मतलब लगे यार कुछ। सो हमारे जो ऑप्शन में था वो था जर्मन शेफर्ड और ये तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा फेमस है क्या था, गोल्डन रिट्रीवर। मेरे को जर्मन शेफर्ड लेने का ज़्यादा मन था लॉन्ग कोट वाला, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला यार उसकी ना बहुत ज़्यादा केयर है और एग्रेसिव भी होते हैं, तो और हमारे पास गार्डन भी नहीं है और मतलब थोड़ा फैमिली डॉग नहीं है, लेकिन मेरा पूरा मन था कि मैं जर्मन शेफर्ड लूँ। फिर वो हमने ड्रॉप कर दिया, फिर हमारा दिल आया हस्की पे। फिर हस्की का हमने जब रेट देखा तो देखा कि वो तो हमारे बजट से ही बाहर, हमने फाइनल किया गोल्डन रिट्रीवर। तो हम लेने जा रहे हैं गोल्डन रिट्रीवर और वो बहुत 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 क्यूट होगा। और अभी हम ढूंढ रहे हैं पेट्रोल पंप, तो रास्ते में मिल गया तो ठीक है। मतलब इस रास्ते में, इतने लंबे रास्ते में पेट्रोल पंप तो होना चाहिए। आखिरकार पेट्रोल पंप मिल गया, लेकिन ये तो बड़ा टूटा-फूटा रास्ता है, अभी नया बना ही है। हाँ क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो नहीं देखा था। चलो पेट्रोल तो भरवा लिया, पेट्रोल का नोट है। यार एक बात बताऊँ, ये पेट्रोल की मुझे खुशबू बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं पागल हो जाती हूँ इसकी खुशबू के लिए। सफाई फ्री में हो रही है यहाँ पर, पता नहीं, आई थिंक फ्री में पूरा बाजार साफ हो रहा है, गाड़ी का गंदा भी हो रहा था। अच्छा एक बात पूछूं, उतने सारे पपीज में पता किसे चलेगा कि हमारे लिए कौन सा है? इतने सारे नहीं है, दो ही हैं। हाँ तो दो भी हैं, तो उनमें से कैसे पता चलेगा? करण है, अर्जुन है, अब देख लेना तुम। मतलब कैसे पता चलेगा दैट ही इज द वन, हमको वही लेना चाहिए? अब ऐसा भी नहीं है कि अवतार की तरह हम अपनी चोटी ऐसे टच करके, और अवतार था एविटार जो भी था उसको जैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे करते हैं? अवतार मेरे लिए तो अवतार, हाँ अवतार था ठीक है। अवतार में नहीं होता वो चोटी से ऐसे टच करके देखते हैं कि कौन किसको चूज करता है, वैसा भी कोई सिस्टम नहीं है। अभी लगवाते हैं चोटी। तो कैसे पता चलेगा किसको लेना चाहिए? डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, अब वॉक करके जा रहे हैं। इस सामने वाले मार्केट, इसी मार्केट में है, तो बहुत छोटी दुकान है। पकड़ो, ये रहा पहला पॉप, ये इसका कलर थोड़ा लाइट है, ये लाइट की डाल
ये अभी थोड़ा और डार्क कर जाएगा, ये लाइट गोल्डन में जाएगा, जैसे गोल्ड गोल्ड कलर होता है ना वैसे में, ये डार्क ब्राउन में जाएगा। ये है एमएस लेना कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा ही इज द वन। हां 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 ये वाला प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अरे ये आया, ये आया, ये आया, ये आ गया। व्हाट थर्ड अप बॉक्स है ये ज़्यादा एक्टिव है, दिस वन इज एक्टिव। ये वाला आया सबसे पहले, वैसे तो यही लेना चाहिए, ही इज द वन होना चाहिए। एक बार आ जा, वो उसको पिंजरे में जाने की ज़्यादा जल्दी है, इसको पिंजरे में जाना। आ जा, नहीं यही आ रहा है, यही आ रहा, आ जा, तेरे पास भी आया, आ जा, आ जा। अरे ये भी आया, अभी ये भी दौड़ के आया, क्या करना है, देख लो देखो देखो, सो सो क्यूट। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहा है मुझे, और मैंने बुलाया तो सबसे पहले यही आया। यहाँ मेरे माइक की आवाज़ चली गई है, मैं ये बोल रही थी कि ये हमारे घर का नया मेंबर है और अभी हम इसको लेके जा रहे हैं गाड़ी में, और ये बहुत बहुत क्यूट है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, अनफॉर्चुनेटली माइक की आवाज़ चलेगी तो मैं अपनी फीलिंग शेयर ही नहीं कर पाई आप लोगों से। ये वाली सारी चीज़ें डॉग के साथ हमने परचेस की है, मतलब उसने जो जो बताया वो हमने ले ली, क्योंकि एक डेढ़ महीने इसकी काफ़ी केयर करनी है, उसको जो खिलाना है, जो पिलाना है, शैम्पू कंडीशनर जो भी सारी चीज़ें हैं वो इस सारी यहाँ पर है। तो अभी एक डेढ़ महीने बहुत बहुत ज़्यादा केयर करनी है, तो डॉग को पालना इज़ नॉट सो सो ईजी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन यार उतना ही मज़ेदार भी होता है, और सच बात बताऊँ तो उतना ही ज़्यादा प्यार वो भी आपको देते हैं। अब टाइम है खाना खाने का, मतलब इतना एक्साइटमेंट में डॉग लाना करके मैंने खाना ही नहीं खाया। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 2 बज गया है, मेरा टाइम तो काफ़ी ओवर हो गया, मैं 12:30 से 1 बजे तक खाना खा लेती हूँ, पर ठीक है यार आज लेट हो गया। और वो आराम से एक ठंडा कोना पकड़ के ना मस्त सो रहा है, कोई टेंशन नहीं। उसको ना गाड़ी में बहुत गर्मी लग रही थी, उसको यहाँ आके एकदम चिल्ड कोना उसने पकड़ा, अब वो मस्त होके सो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली हो रहा है, गेम्स ही खेल रहा है, वरना थोड़ी देर इसको छोड़ दिया था ना तो ये रोने लग गया था, जब उसको कोई दिख नहीं रहा था। अब पता नहीं रात में रोता है या नहीं रोता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे फ्रेंडली ही लग रहा है ये। अब डॉग का नाम मैं सर्च हो रही हूँ कि डॉग का नाम क्या रखें। मैं चाह रही हूँ मतलब ज़्यादा फॉरेनर नेम भी ना हो और बहुत ज़्यादा इंडियन भी ना हो, ऐसा हो कि हाँ देसी नेम। वैसे मेरे को लियो पसंद आया था, ब्लेज, बूमर, ब्रूस, ब्रूनो, और मैं नाम सजेस्ट कर रही हूँ इसको। आज से इस डॉग का नाम सिम्बा डिसाइड किया जाता है, अब सारे जनमानस इसको सिम्बा नाम से पुकारेंगे। हेल टू द किंग। सो इसका नाम है आज से सिम्बा। के नाम पसंद आया कि नहीं आया? सो आज से इसका नाम है सिम्बा। वैसे मुझे लियो भी पसंद आया था, सिम्बा ज़्यादा अच्छा। ठीक है तो सिम्बा फाइनल करते हैं, सिम्बा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि जो लोग डॉग लवर हैं उनको तो बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। हाथ रख दे, ये।